Thank you.
कॉन्स्टिट्यूशन को अपना ग्रंथ मानता हूं मैं। कॉन्स्टिट्यूशन में आता है इक्वालिटी, सबका साथ और सबका विकास, कहने को तो यह है।
पर क्या किसी गरीब तक लोगों की ताकत पहुंची है? डेमोक्रेसी का मतलब है लोगों की ताकत लोगों तक पहुंचे, लोगों की ताकत लोगों तक नहीं चंग पूंजीपतियों तक सीमित होकर रह गई है दोस्त। तानाशाह तानाशाह। लेकिन आज मैं तुम्हें कहता हूं, पूछो जो न्याय है। न्याय एक ऐसी संस्था है, न्याय की संस्था, इलेक्शनों की संस्था, इलेक्शन कमीशन है, जो उच्च न्यायपालिका है वो सबसे बड़ी संस्था है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में अंबेडकर साहब, थोड़ा पीछे महात्मा गांधी, अंबेडकर साहब, महात्मा गांधी जो कर रहे हैं पंजाब च, थोड़े बच्चे लिए कर रहे हैं, अपने लिए नहीं कर रहे हैं। देही दाते लाऊं नवजोत सिंह सिद्धू। संस्थाएं, ये संस्थाएं पवित्र थी। कॉन्स्टिट्यूशन की जो वैल्यूज हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की संस्थाएं चलाती हैं उन वैल्यूज को, वो है कॉन्स्टिट्यूशन का, कॉन्स्टिट्यूशन की ताकत। वो संस्थाएं आज गुलाम हैं, वो संस्थाएं आज दो लोगों की सुनती है, चार लोगों की सुनती है, छह लोगों की सुनती है, ज्यादा नहीं। उन संस्थाओं को लोक भलाई के लिए काम करने के लिए नहीं, उन संस्थाओं को रबड़ के गुड्डे बना दिया गया है, और रबड़ के गुड्डे चाबी देके छोड़ दिए गए। मैं घबराता नहीं हूँ, मौत से मैं डरता नहीं हूँ, क्योंकि जो मैं कर रहा हूँ, जो मैं कर रहा हूँ वो पंजाब की अगली पीढ़ी के लिए कर रहा हूँ, अपने परिवार के लिए कर रहा हूँ। ਯਾਰ ਜਿੱਥੇ ਖੜਾ ਖੜਾ ਬਸ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਭੌਂ ਚਿਕਨੇ ਦੇਤੀ ਉਹ ਖੜਤਾ ਜਾ ਉਹ ਕੈਮਰਾ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਨੇ ਉਹ ਜੱਸੀ ਭਾਈ ਕੈਮਰਾ ਥੱਲੇ ਕਰੀ ਥੋੜਾ ਯਾਰ पंजाब के लोगों के लिए, अगली पीढ़ी के लिए ये सत्य बोले जाए। जहां जहां माइनॉरिटी है, हिंदुत्व का एजेंडा चलता नहीं, इतने लानी होना कश्मीर में भाई बहुत बना रहे हैं। पंजाब के लोग कहते हैं पंजाब ना हिंदू ना मुसलमान, पंजाब जीवे, पंजाब जीवे। ओ यार जसी, और वो गुरुओं के नाम पे यार खड़े जाओ, इतना धक्का यार केड़ा मार रहे है पीछे, खौफ फैलाया जा रहा है भैया। बाप भाई बाप रे करता यार, हैं जिंदगी में एक बार खड़ता जा यार, मैं भी फंसया खड़ा तेरे मुंह में। सिद्धू साहब पंजाब मॉडल का क्या बनेगा? कांग्रेस का कार्यकर्ता
ਪਾਵਰ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਈ 30 ਮਿਨਿਸਟਰੀਆਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਠੱਪ ਪਿਆ ਲੋਕ ਰਾਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਮਝੇ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਰ ਲੈ ਦਫਤਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਐਮਐਲਏ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗਦੇ ਆ ਕਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦੇ ਦੂੰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਉਹ ਮਿੱਤਰਾਂ ਅੰਦਰ ਤੂੰ ਜਿੱਥੇ ਦੇਣਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਇਨਕੁਆਰੀਆਂ ਕਾਫੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਜਿਹੜਾ ਕਰਪਟ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਜੇ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਆਪੋ ਦਾ ਮਕਾਨ ਸੀਜ਼ ਕਰ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਏ ਤੈਂ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸੀਗੀ ਤੇ 16,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਸਾਲ ਦਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਸੀਗਾ ਕਰਜ਼ਾ ਤੇਰੇ ਹੁੰਦੇ 25-30 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਜੀ ਯਾਰ ਫੋਨ ਪਿੱਛੇ
هيمتى
Thank you.
I'm going to go to the hospital.
Thank you.